हल्द्वानी हिंसा पर डीएम का बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। हिंसा पहले से सुनियोजित थी, डीएम की तरफ से कहा गया। पुलिस वालों को जिंदा जलाने की पूरी प्लानिंग थी, पूरी कोशिश की गई। थाने से अधिकारियों को निकलने नहीं दिया गया, डीएम ने कहा। थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, छतों पर पत्थर इकट्ठा कर रखे गए थे। हिंसा की पहले से प्लानिंग थी, आसपास की छतों से पथराव किया गया, ये डीएम की तरफ से कहा गया। अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड अनहार्म्ड अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी इस प्रॉपर्टी पर जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिसके स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है, ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे, ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी की फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर, उनको बाहर नहीं निकला।